दूसरा ब्लॉग में। तो शाम का टाइम है फ्रेंड्स, और यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और बनेगा चिचड़ा का कलौजी और रोटी, क्योंकि शाम को सब्जी रोटी ही बनता है। थोड़ा थोड़ा ही क्लिप हमने लगाया हुआ है, क्योंकि शाम के बाद अब सीधे मॉर्निंग में मिलेंगे आप लोगों से, और आप लोग बने रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिए फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा। और यहाँ हो गया है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में आज लग गए हैं चूल्हे की रोटी बनाना, क्योंकि चूल्हे पे खाना काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, ठंडियों में ही बनता है, और बारिश की वजह से चूल्हा हमने हटा दिया है। और आज पतिदेव जी का मन था चटपटी सी चटनी और थोड़ा सा जो मोटी रोटी होती है चूल्हे का वो खाने का, तो देख सकते हैं वही मैं बनाने लग गई हूँ। और थोड़ा थोड़ा बारिश का झीसा भी गिर रहा था, तो हमने कहा चलो मन है तो हम बना के खिलाएंगे ही, और अगर बारिश होगा तो जो रूम है बैठक है उसमें बना लेंगे। तो वही, और नहाने के बाद आ गए हैं सीधे किचन में, तो क्योंकि बिना नहाए ही बना के दे दिए थे, बच्चों लोग खा के चले गए। और यहाँ प्याज हमने दरदरा सा पीस लिया है काटने के बाद, और अपने लिए बनाएंगे प्याज का पराठा और चाय। और पहले चाय चढ़ा देते हैं, आटा हमने गूंथ लिया है, तो प्याज जो हमने दरदरा सा पीसा हुआ था तो वही प्याज से आटा लगाए हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं आटा में है, बस वही प्याज का और मिर्च वगैरह सब कुछ डाले थे, तो ये पराठा बहुत ही चटपटा सा लगता है और चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही चाय के साथ खाएंगे ये पराठा। और थोड़ा सा टमाटो वाला चटनी है, और यहाँ दोपहर का लंच बना रही हूँ खिचड़ी, तो क्योंकि शनिवार है तो शनिवार को खिचड़ी तो बनता ही है। और मॉर्निंग का जो कुछ हम बनाए थे आप लोगों से शेयर ही किया था, क्योंकि गाँव में चूल्हे की रोटी सबको बहुत पसंद होता है और सभी लोग मन से खाते हैं, और जो थोड़ी सी मोटी रोटी होती है वो तो और ही काफ़ी टेस्टी लगती है चटनी वटनी के साथ। और वहाँ पे हमारा दोपहर का जो खिचड़ी वगैरह था बन गया, हम लोग खा भी चुके थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ा सा पंजीरी धनिया वाला, क्योंकि जन्माष्टमी तो बीत गया है पर मेरा मन हुआ था, क्योंकि ये साल गाँव में जन्माष्टमी मनाया गया था, तो ये पंजीरी नहीं बना था धनिया वाला, तो मुझे काफ़ी पसंद है, मैंने कहा चलो घर पे ही बना लेते हैं, और वही बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी था, खाने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे चल रहे हैं अब गांव में, क्योंकि वहाँ भी अभी खाद छिटवाना है आज, और मौसम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बादल सा है और बारिश भी एक दो बूंदे गिर रहे हैं, काफ़ी तेज़ बारिश तो नहीं हो रहा है। और ये जो खेत में पानी है ये समरसेबल से घर के हमेशा पाइप लगा रहता है, तो अपना पानी आते रहता है बराबर। और उधर सासू माँ छीट रही हैं अपना खाद, और यहाँ मैं अपना थोड़ा बहुत देखी, यहाँ बहुत काफ़ी ज़्यादा घास हो गया था, तो मैंने कहा चलो बस यहीं से निकाल लेते हैं, क्योंकि नहाने वहाने के बाद खेत में घुसने का मन नहीं होता है। अब बादल देख सकते हैं किस तरह से बादल छाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इस कोने पे घास हो गया था, तो इसीलिए घर पे फ्रेंड्स, और काफ़ी लेट हो गया है, देख सकते हैं इतना शाम हो चुका है और 7 बज गए हैं इस समय, तो हमने कहा ब्लॉग का एंड भी कर लें। और घर से लौटने में लेट भी हो गया था, क्योंकि बारिश थोड़ा सा होने लगा था, तो हम वही बैठ गए थे सासू माँ के पास, तो अपने ब्लॉग का एंड भी करना है तो कर लेंगे। और देख सकते हैं तालाब के पास ही खड़ी हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ मॉर्निंग में इधर टहलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मॉर्निंग में टहलना भी ज़रूरी होता है, और तब फिर अपना काम शुरू करती हूँ, तो कभी कभी टहल भी नहीं पाती हूँ तो काम ही डायरेक्ट चालू हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लेट भी हो जाता है हमको उठने में, तो उसमें कहाँ से टाइम मिलेगा टहलने का, तो यही कुछ है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का एंड भी करते हैं, और यहाँ पर मैं वीडियो का एंड कर रही थी तो सनी के पापा भी आ गए हैं, तो चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। बाय, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ।